नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ऑटो इन्फोटेक। आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है क्योंकि एक टॉप सेलिंग व्हीकल के बेस ट्रिम जो कि सबसे ज्यादा बिकता है उसका आज रिव्यू लेके आया हूं मैं। एक वॉक अराउंड, क्या क्या फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे इसके बारे में बताऊंगा और उसके बाद ओनर से भी बात करेंगे कि क्यों उनने ये गाड़ी ली, क्या है, और उसके बाद करोल बाग में जो इसके मॉडिफिकेशन होते हैं उसके ऊपर भी बहुत ही जल्दी एक वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं Hyundai क्रेटा की, तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले गाड़ी की चाबी से, तो मैं आपको चाबी दिखाता हूं। तो इसमें आपको ऐसी कुछ फ्लिप की देखने को मिलती है जिसमें लॉक, अनलॉक और आपको बूट ओपनर बटन भी देखने को मिलता है। तो ये बेस ट्रिम में ऐसी चाबी मिलती है जो कि बहुत ही बढ़िया है और काफी सही है। तो चाबी की बात हो जाने के बाद बात करते हैं इसके हेडलैम्प से। सबसे पहले आप देख सकते हैं आपको बेस ट्रिम से ही DRL देखने को मिलेंगे, हेडलैम्प जो है आपको प्रोजेक्टर देखने को मिलेंगे, तो ये भी बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद आप इसकी ग्रिल देख सकते हैं। इसमें हालांकि बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं, बेस ट्रिम में आपको क्रोम ग्रिल नहीं मिलती है, वो आपको SX और उसके ऊपर वाले वेरियंट्स में देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर वो नहीं है। लेकिन फिर भी ये गाड़ी कहीं से भी ख़राब नहीं लगती है। अगर नीचे की स्किड प्लेट की बात करूँ तो ये आपको ब्लैक कलर्ड मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप अपर ट्रिम्स में जाएंगे आपको ये सिल्वर एक्सेंट में देखने को मिल जाएंगे। सिल्वर एक्सेंट से मेरा मतलब है कि कुछ ऐसे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, तो ये भी है यहाँ पर फीचर। गाड़ी के अगर फ्रंट से बात करें तो आप जानते ही हैं क्रेटा को बहुत अच्छे से कि गाड़ी कैसी है, क्या है, सब कुछ। जो एक बदलाव आया है वो मैं आपको दिखा देता हूं। अब यहां पर आपको इंडिकेटर जो है वो फेंडर पे देखने को मिलता है, पहले आपको ORVM पे देखने को मिलता था, तो ये एक बदलाव है। क्लैडिंग आप देख सकते हैं, व्हील आर्चेस की पूरी थ्रू डोर जा रही है लास्ट तक। एलॉय व्हील्स आपको देखने को इसमें नहीं मिलेंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। 205/65 R16 सेक्शन के आपको टायर्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो रिम्स हैं उसमें आपको कवर्स ऑलरेडी मिल जाएंगे। साइड प्रोफाइल आप देखते ही हैं, इसमें आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है, तो रिक्वेस्ट सेंसर्स वगैरह यहाँ पर नहीं होंगे। रेल रूफ ये अलग से लगवाई है कस्टमर, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये डिसीजन सही था या नहीं था। तो ये हो गई एक्सटीरियर से कुछ बातें। अगर मैं इसके पीछे आऊं और आपको इसका बूट दिखाऊं, तो बूट यहां से एक बटन है जिसको दबा के आप बड़े आराम से ऐसे खोल सकते हैं। तो ये सेम वही 433 लीटर का बूट स्पेस आपको इसमें भी देखने को मिलता है। स्पेयर व्हील्स की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं स्पेयर व्हील्स जो हैं वो भी 16 इंच के आपको मिलते हैं स्टील रिम्स, तो ये चीज़ अच्छी है। तो जो भी है, मतलब इसमें कोई साइज स्मॉल नहीं किया गया है। पीछे आप देख सकते हैं फिर से ये बम्पर पर आपको जो ये स्किड प्लेट है ये ब्लैक कलर में ही मिलती है बेस ट्रिम में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये पूरी तरह से कवर्ड है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, कवर्ड है, ख़राब नहीं लगता है देखने में। तो पीछे बेस ट्रिम में भी आपको देखिए ये बढ़िया टेल लाइट मिलती है और ये जलती भी है, बाकायदा वर्किंग है। क्रेटा की बैजिंग आपको यहाँ पर आराम से देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आप टर्न इंडिकेटर्स देख सकते हैं, यहीं आपको टेल लैंप के साथ मिलेंगे। रिवर्स पार्किंग लाइट बल्ब वाली है, पीछे आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो ये हो गया इसका कुछ एक्सटीरियर, कि एक्सटीरियर में आपको क्या क्या मिलता है। हाँ, एक चीज़ जो याद रखने वाली है कि इसमें आपको शार्क फिन एंटीना नहीं मिलेगा, नॉर्मल एंटीना मिलेगा। स्पॉइलर आपको ज़रूर इसमें देखने को मिल जाएगा, सनरूफ तो मतलब ही नहीं बनता कि इसमें आए। अब एक बार मैं आपको गाड़ी का हुड खोल के दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जो है ये ई मॉडल है, बेस वेरिएंट और उसका भी डीजल है, तो मैं आपको इसका हुड एक बार खोल के दिखा देता हूँ और इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। एक चीज़ जिसकी मैं हमेशा से तारीफ करता है Hyundai की, देखिए एक बढ़िया सा इंजन कंपार्टमेंट है, पूरी तरह से ढका हुआ है। CRDI 16 वॉल्व अर्थात 16 वॉल्व हैं इसके अंदर,
ये 1500 सीसी का इंजन है जो 113 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क निकालता है। उसके साथ साथ ये बहुत ही बढ़िया माइलेज देता है आपको। अगर आप सिटी कंडीशंस में चलाते हैं तो 15, 16, 17 तक की माइलेज देगा। हाईवेज पे ये 18 से 20 की भी माइलेज देता है ये इंजन। तो उस मामले में इस इंजन में कोई डाउट नहीं है। अगर मैं ऊपर बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हुड इंसुलेटर भी लगा हुआ है, जिससे गाड़ी की हीट कह लीजिए और नॉइस कह लीजिए, वो गाड़ी के केबिन में नहीं जाती है। तो NVH लेवल्स बहुत ही कंट्रोल्ड रहते हैं। तो ये बेस ट्रिम से ही हुंडई हमें दे रहा है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। तो इसके लिए हुंडई को थम्स अप है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और मैं बताता हूँ कि गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है। गाड़ी के अंदर जाने के पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका लॉक बटन, दबाइए गाड़ी लॉक, दबाइए गाड़ी अनलॉक, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको टेलगेट खोलना है तो आप इसको दबा के रखेंगे तो टेलगेट खुल जाएगा। इन केस आपकी गाड़ी लॉक्ड रहेगी उसके बावजूद भी पीछे टेलगेट खुल जाएगा। तो अब चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं और वहाँ दिखाता हूँ कि क्या फीचर्स आपको मिलते हैं देखने को। शुरुआत करें गाड़ी के दो डोर से तो आपको चारों पावर विंडोज मिल जाती हैं, साथ ही साथ चाइल्ड लॉक भी मिल जाता है। तो आप इसको दबाएंगे तो आपका क्या कहते हैं, ये देखिए चाइल्ड लॉक बटन, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है। उसके बाद अगर डोर पॉकेट्स की बात करूँ तो बड़े बड़े डोर पॉकेट्स हैं जिसमें आराम से 1 लीटर की बॉटल आ जाएगी। ये आपको एरिया जो है पूरी तरह से हार्ड प्लास्टिक मिलता है। उसके बाद अगर ORVM एडजस्ट करने हैं, पहले ये फीचर जो है यहाँ पर एक बटन दिया हुआ था जिससे आप कर सकते थे, लेकिन अब ये हाथ से ही करना पड़ेगा आपको। तो ये एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ है, एक फीचर ये कम हो गया गाड़ी के अंदर। अगर मैं बात करूँ तो ड्राइवर की सीट की हाइट भी आप यहाँ से मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं फ्यूल लिड ओपनर का नॉब है, हुड ओपनर आपको यहाँ दिख ही रहा है। मैनुअल है डीजल, तो आपको तीनों पैडल आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। हेडलाइट एडजस्टर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद AC वेंट्स, ये AC वेंट्स मुझे बहुत सही लगते हैं, तो ये चीज़ है। उसके बाद मैं चलिए गाड़ी के अंदर आपको दिखाता हूँ और क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर और आपको कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। यहाँ आपको टैकोमीटर मिल जाएगा, यहाँ आपको ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम मिल जाएगा, स्पीडोमीटर मिल जाएगा, फ्यूल गेज यहाँ पर मिलेगा आपको, और उसके अलावा यहाँ पर आपको इंजन हीटिंग का बटन दिख जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ IRVM अगर देख पा रहे हो तो ये आपको मैन्युअली ही एडजस्ट करने पड़ेंगे डे नाइट के लिए। यहाँ पर आपको कोई लाइट नहीं मिलेगी। उसके अलावा वैनिटी मिरर ड्राइवर साइड बिल्कुल नहीं है। को ड्राइवर साइड अगर मैं दिखाऊं तो आपको वैनिटी मिरर मिलेगा बट विदाउट कवर एंड लाइट। ग्रैब हैंडल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स नहीं है। टॉप एंड में आपको फोल्डेबल भी देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको AC वेंट देखने को मिलेगा लेकिन उसके नीचे कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा। क्लाइमेट कंट्रोल आप देख सकते हैं, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल है यहाँ पर, ये टेम्परेचर कम ज़्यादा करने के लिए, फ़ैन की स्पीड बढ़ाने के लिए और एयर की ओरिएंटेशन के लिए। ये आपको यहाँ पर हैजार्ड लाइट देखने को मिल जाएगी, आप देख लीजिए। ग्लव बॉक्स पहले कूल्ड आता था, अब आपको साधारण ग्लव बॉक्स मिलेगा जिसकी जो डेप्थ है वो ठीक ठाक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। को पैसेंजर डोर आप देख लीजिए, इसमें आपको को पैसेंजर डोर भी कुछ बोतल के साथ रखने के लिए, इसमें सामान आपको रखने की जगह मिल जाएगी, तो इससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक बात करूँ स्टीयरिंग की तो आप देखिए स्टीयरिंग, यहाँ पर आपको प्लेन स्टीयरिंग मिलेगा। कुछ यहाँ पर कंट्रोल्स के लिए बटन दिए हुए हैं लेकिन वो सिर्फ ड्राइवर इंफॉर्मेशन वाला जो सिस्टम है सिर्फ उसी के लिए। आप देखिए यहाँ से आप जो सेट करना चाहें, जो सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, अप डाउन करना चाहें, और उसके बाद ये कुछ आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। बस इसमें यही इतना मिलता है, ना आपको इसमें क्रूज कंट्रोल देखने को मिलेगा क्योंकि ये बेस मॉडल है, और ना ही इसमें आपको वॉइस कमांड और आपके ऑडियो कंट्रोल्स भी इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बात करें अगर इसके नीचे तो आप देख सकते हैं 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको स्पेस मिलेगा आपका फ़ोन रखने के लिए। ये 6 स्पीड मैनुअल गेयर बॉक्स है आप देख सकते हैं, तो आपको ये भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पर।
उसके अलावा मैनुअल हैंड ब्रेक्स देखने को मिलेंगे, दो कप होल्डर्स यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये हैंड रेस्ट की जो पोजिशनिंग है ये मुझे बहुत सही लगती है। अब देखिए जो ये आर्म रेस्ट है इसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा जगह है जिसमें आप कुछ सामान रख सकते हैं। हालांकि ये एडजस्टेबल नहीं है लेकिन फिर भी इसकी पोजिशनिंग ऐसी है मुझे लगता है कि जो बहुत ही बढ़िया है। अगर मैं बात करूँ सीट की तो सीट का थाई सपोर्ट जो फ्रंट है उसमें बहुत अच्छा है, साइड में ये साइड सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो है कुछ सीट की बात फ्रंट सीट की, तो ये कुल मिला के मेरे को इसमें कोई डाउट नहीं है। चलते हैं पीछे, पीछे का माहौल आपको दिखाता हूँ। अगर बात करें रियर डोर की तो ये भी आपको इसमें पावर विंडो देखने को मिल जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बढ़िया चीज़ है। उसके बाद ये ग्रैब करके आप डोर वगैरह बंद कर सकते हैं, थोड़े बहुत अगर कॉइन वगैरह रखने हो अपने यहाँ रख सकते हैं, 1 लीटर की बॉटल यहाँ आराम से ऑक्यूपाई हो जाएगी। उसके बाद ये थोड़ा सा एंटी स्क्रैच पैड सा मिल जाता है जिससे कि आपके पैरों के निशान ना आए। गाड़ी के अंदर चलें अगर तो पहले गाड़ी के अंदर आने के सबसे पहले 4 स्टार रेटेड ये गाड़ी है, मैं इसका थर्ड सुना देता हूँ आपको, एक बार सुनिएगा, फिर से सुन लीजिए, बहुत ही बढ़िया थर्ड है, हैवी से डोर है तो ये चीज़ अच्छी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हाँ यहाँ पर आपको 2 रियर AC वेंट्स देखने को मिलेंगे, साथ ही फ़ोन वगैरह रखने के लिए आपको यहाँ पर जगह मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर आपको चार्जिंग का कोई इंतज़ाम नहीं मिलेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूँ आर्मरेस्ट की तो पीछे वाली सीट पर आपको कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा, ये एकदम प्लेन है। हेडरेस्ट जो हैं वो भी एडजस्टेबल नहीं होंगे तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। लाइट आपको यहाँ पर मिल जाएगी वो भी येल्लो कलर वाली, तो ये चीज़ है। टॉप एंड में यहाँ पर लाइट्स यहाँ पर शिफ्ट हो जाती हैं, हालांकि मैंने SX का एक वीडियो बनाया है उसमें आप देख सकते हैं, वो वीडियो थोड़ा ख़राब हो गया था क्योंकि मेरा माइक ख़राब हो गया था। तो ये है गाड़ी के अंदर ऑल एंड ऑल। पीछे आपको पार्सल ट्रे मिल जाएगी जो कि यूजेबल है, काफ़ी सही है, स्ट्रॉन्ग और स्टडी है, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। आगे से व्यू कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये है Hyundai Creta का वॉक अराउंड। अब अगर आप इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप लोग मेरी वीडियोस को देख नहीं रहे हैं, प्यार नहीं दे रहे हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लोगों के साथ शेयर करें जिससे कि आपके भाई का भी थोड़ा बहुत भला हो। मैं आप लोगों को एकदम इसीलिए अनबायस तरीके से हर चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आप लोग सही गाड़ी चुन पाएँ अपने लिए, आपके पैसे 10-12 लाख रुपए बर्बाद ना जाएं। तो अब अंत में सिर्फ यही कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हो सके तो अपने यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते जाते फिर से वही एक बात कहूँगा कि जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।